हेलो व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी गुड। आज मैं झुमा आपके सामने और एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। लास्ट संडे मैं एक बॉटल के ऊपर पूरे ने एक बॉटल के ऊपर ग्लास पेन कैसे मैं करती हूँ इधर, वो मैंने दिखाया। आज भी मैं वही करने वाली हूँ, बट उसके आगे जो लोग मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज ये छोटी सी नन्ही सी चैनल को एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक्स, एक कमेंट बहुत 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 ही मायने रखते हैं। कितने बार मैंने बहुत बोला, उतने बारी सब्सक्रिप्शन चाहिए मेरे को। यस गाइस, जोक्स अपार्ट, यस आज मैं एक ब्लू बॉटल के ऊपर, ये पूरे ने बॉटल है, ग्लास बॉटल है, तो ये ग्लास पूरे ने बॉटल के ऊपर मैं करने वाली हूँ। यस दिस इज़ माई बॉटल सीरीज 2, ये ब्लू कलर के है, इसीलिए मैं थोड़ा तो टेंशन में हूँ कि ये ब्लू कलर के बॉटल के ऊपर मैं कैसे कौन से कलर डालूंगी और ये कलर कैसे खुल के दिखेंगे। तो बाद में मैंने देखा ठीक है ट्राई तो करती हूँ, तो ये मैंने कौन से कलर इसमें यूज़ किया है और इसके ऊपर कौन सा कलर ठीक दिख रहा है, वो सारे आप कमेंट में डालिए और मैं धीरे धीरे आपको दिखाने वाली हूँ मैं इसको कैसे डेकोरेशन करती हूँ। सो डू सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है वो है ढेर सारे प्यार, वो हमें चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए और लाइक कमेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो तो आपके कमेंट के ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं गाइज। सो दिस इज सो प्रीसियस फॉर अस, सो स्टे विद अस। ये जो ब्लू कलर का बॉटल आ गया है और इसके ऊपर मैं जो जो कलर यूज़ कर रही हूँ, एक्रेलिक, वाइट एक्रेलिक सिंपल सा, और 3D लाइनर, यस 3D लाइनर, वन पर्पल, दिस इज फैब्रिक पेंट, सी दिस। और मैं ये डिफरेंट कलर का लिया है और एक लाइनर मैंने इधर यूज़ किया है, वो है क्लॉथ लाइनर, नॉट ग्लास लाइनर। यस दिस इज गोल्डन कलर, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फास्ट जैसे मैंने गोल्डन लाइनर लेके इसके ऊपर फास्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ, थोड़ा टिश्यू यूज़ करके, जो एक्चुअली ये बाबर ज़माने का मेरा लाइनर है, मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो यूज़ करके सिंपल सा जो पैटर्न है सर्कल जो मैं लास्ट बॉटल में यूज़ किया था, वो जो अप्लाई किया था, वही सारे मैं थोड़ा सा रेनोवेट करके और थोड़ा सा डेकोरेट करके इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ। सी गाइस, वेरी इजी। आपके घर में अगर ये पुराने वाला कुछ बॉटल्स है तो आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि खुद के हाथ में बना हुआ कुछ चीज़ आप अगर आप ये डेकोरेशन कर रहे हो आपके घर में, तो होना बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं उसमें कुछ डेकोरेट करके मेरे घर को सजा रही हूँ, तो ये इसमें ना बहुत डिफरेंट एक फीलिंग्स आता है, मुझे तो आता है, इसीलिए मैं ये आपको बोल रही हूँ। देखिए एक डॉटेड मैंने एक डिज़ाइन किया और एक इस पैटर्न किया और इधर रैंडम पैटर्न मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये जितने सारे 3D लाइनर है उसको मैं रैंडमली यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसमें कुछ एडिटिंग पार्ट रखी हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसमें करने के टाइम में मेरा बहुत भूल हुआ था, तो वो भूल मैं कैसे इरेज करती हूँ, वेरी इमीडिएटली आपको टिश्यू से, नहीं तो कुछ कॉटन से, आप अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये मुझे कुछ गलत हो गया, तो आप उसी वक्त वो टिश्यू से आप इरेज करके थोड़ा वाइप करके उसके ऊपर आप डालो। और अभी मैं जो यूज़ करने वाली हूँ, जो फिर से मैंने गोल्डन लाइनर अप्लाई किया है, और ये जो मैं ब्रश लिया है ज़ीरो ब्रश, और ज़ीरो ब्रश के जो बॉटम पार्ट है वो मैंने इधर डॉट के लिए अप्लाई किए हैं, क्योंकि मैं अगर जो ब्रश का जो टॉप पार्ट है अगर मैं ये यूज़ करती तो उसमें क्या होता था ना, जो डॉटेड है उसका जो शेप मैं चाह रही हूँ उसके बॉटल के ऊपर आ जाए वो नहीं आता था। ये मेरा तरीका है गाइस, ये कभी भी मैं किसी को यूज़ करने के लिए मैंने नहीं देखा। और मैं इधर टूथपिक भी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि टूथपिक से ना बहुत शार्प होता है, जो सर्कल मैं चाह रही हूँ, जो शेप और जो साइज़ का सर्कल मैं चाह रही हूँ वो मैंने इधर किया है। सी गाइस, यस इट्स एक्चुअली द बॉटल पेंटिंग, दिस टू बॉटल्स पे आफ्टर ये पेंटिंग करने के बाद जो मुझे फीलिंग्स हुआ है ना, ये एक्चुअली बहुत ये थेरापी का काम कर रहा है,
क्योंकि जब मैं कुछ करती हूँ बहुत कंसंट्रेशन के साथ, पूरा कूल एंड काम होके, आप टाइम निकाल के मुझे पूरा डेकोरेशन करना है, जब ये ख़त्म हो जाता है, पूरा कंप्लीट लुक आ जाता है ना, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं क्या बोलूँ। तो इसीलिए मैं भी सबको ऐसे इंस्पायर करती हूँ कि आपके पास भी जो कुछ भी है, जो आपको नहीं लग रहा है कि ये बेकार हो गया, ये यूज़ का लायक नहीं है, तो आप उसमें भी कुछ कलर डाल के, खुद का आइडियाज़ दे के कुछ अलग से बना लीजिए। वो अगर आपका इतना डेकोरेटिव ना हो जाए, इतना गॉर्जियस ना हो, बट ये आपके हाथ का चीज़ है, ये आपको इंस्पायर किया, जब आप काम करते करते कुछ देखेंगे कि ये मैंने खुद के हाथ से बनाई हूँ, तो वो ना बहुत ही अच्छा लगता। तो मैं ये बातें बोलते बोलते मेरा जो टॉप पार्ट है वो मेरा ख़त्म हो गया है। मैं अभी थोड़ा नेक पोर्शन के ऊपर जो नेकलेस का पैटर्न है, अब देखिए मैं ये बॉटल के पूरा एक डॉल की तरह सजाई हूँ, और बहुत ही आराम से एकदम केयर करके एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। थोड़ा तो टाइम लगता है गाइस, क्योंकि ये टाइम देने में ना आपका मेहनत दिखता है कि आप कैसे मेहनत से, प्यार से आपके जो क्राफ्टिंग आइटम्स है वो आपको कैसे सजाए हो। देखिए पूरा नेकलेस जैसा रख रहा है, और ये सारे डिज़ाइन मेरे दिमाग से आए हैं, ये मैं कभी भी किसी से कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो ना कॉपी बन जाता है और उसमें कुछ अलग सा डिफरेंट कुछ नहीं लगता है। तो मैं उसी वक्त बैठ के मैं कैसे कर रही हूँ, आप देखिए जैसे लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इरेज कर देती हूँ, अच्छा लगता है तो कर रख देती हूँ, ऐसे ही मेरा बॉटल का काम होते जा रहा है। यस, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अगेन दैट 3D लाइनर, दैट क्लॉथ लाइनर व्हाट आई एक्चुअली सेड बिफोर। यस, ये दो चार कलर ही मुझे मैंने इधर यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादा कलर ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट इसमें नहीं किया है, बट ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरी भी नहीं है। आपका अगर आइडियाज़ है, आपका प्यार है क्राफ्टिंग में, ड्राइंग में, कलरिंग में, तो आप इसमें जो आपके पास पड़े हुए कलर्स है, जो आपके पास जो आपका काम नहीं आता है, वही आप अप्लाई करके आप इसको अच्छी तरह से सजा के अपने घर के डेकोरेशन कर सकते हैं यार। और जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं इस पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ, हर क्राफ्टिंग में हर ड्राइंग का जान आ जाता है, जैसे आप इसमें अगर कुछ डिटेलिंग डाल दें। यस, डिटेलिंग डिटेलिंग एंड डिटेलिंग, दिस इज आवर एक्चुअली टैग लाइन, आवर चैनल टैग लाइन इज डिटेलिंग डिटेलिंग एंड डिटेलिंग। थोड़ा सा बॉटल के ऊपर अगर डिटेलिंग डालिए तो उसमें ना वो आपका पूरा साधारण सी कोई बॉटल, साधारण सी कोई क्राफ्ट आइटम, वो गॉर्जियस हो जाता है। तो मैं वही ट्राई किया है गाइस, प्लीज सी एंड एंजॉय द पेंटिंग्स। इतना सुंदर एक नेकलेस जैसा आ गया है, मुझे तो इतना सचमुच इतना तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं इतना तक कर पाऊँगी, क्योंकि ये उसी वक्त इंस्टेंट मुझे डिसीजन ले रही थी कि मैं इसको कैसे सजाऊँ। तो देखिए गाइस कि आपका बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कैजुअल डिसीजन कैसे काम आ जाता है ना, क्योंकि हम घर में जब रहते हैं कितने सारे चीज़ कभी भी ऐसे सजा के रख देते, कॉर्नर में फेंक के रख देते, हर कॉर्नर को इतना इम्पॉर्टेंस नहीं देते, घर के हर एक कॉर्नर को इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते। लेकिन अगर हर एक कॉर्नर को इतना ऐसे ही कूल एंड काम होके कुछ भी डेकोरेशन कर लिया, तो उसमें सचमुच जान आ जाता है, और ख़ुद के घर को ना थोड़ा डिफरेंट लुक लगता है। और जैसे बोलते हैं ना, हम घर में बोर हो जाते हैं, बोर कभी भी हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी विल गिव यू लॉट ऑफ गुड वाइब्स, एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव, एनी नेगेटिव वाइब्स एंड एनीथिंग इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ पैशन। सो आई एम एन्जॉइंग विथ माई पैशन, सो आई ऑलवेज एनकरेज माई ऑल फ्रेंड्स एंड गाइस सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी टू डू समथिंग पॉजिटिव एंड एनहांस योर क्रिएटिविटी, एनहांस योर गुड वाइब्स, एवरीथिंग। सी गाइस, सिंपल पैटर्न, ये सिंपल सा बॉटल को कितना 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 अच्छा सा बना दे रहे हैं। लव यू। यस गाइस, इट्स अ नेकलेस, इज लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस, राइट गाइस? यस। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल द व्हाइट एक्रेलिक एंड डूइंग समथिंग नेकलेस। सो
amazing. See, here I am applying here. Yes, here I am applying the pink color. पिंक एक्रेलिक, ये भी बहुत पुराना कलर था मेरे पास. बहुत दिन मैंने कैनवास के ऊपर ना अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि ये कलर इतना इतना खास कुछ नहीं था. मतलब कैनवास के ऊपर जब मैं डालती थी ना, कलर कुछ अलग हो जाता था. तो मुझे लगा ये ब्लू कलर है और इसके ऊपर अगर मैं पिंक डालूँ, और मैं वो जो ये वो, जैसे मेरे दिमाग से आया कि जो पेंट ब्रश के बॉटम पार्ट है, वो बॉटम पार्ट बहुत शार्प होता है. आप भी देखिए, आपके पास अगर ब्रश है तो वो बॉटम पट में मैंने लेके इसका डेकोरेशन किया है, क्योंकि सारे चीज़ काम आ जाता है अगर. और इसमें मैंने जो लाइनर यूज़ किया है, जो गोल्डन कलर का लाइनर आप देख रहे हो, ये गोल्डन कलर का नाइलन लेके मैं थोड़ा लीफ डिज़ाइन कर रही हूँ. जैसे दूर से दिखेगा जब आपका डेकोरेटिव बॉटल, तो वो थोड़ा अलग सा दिखेगा. ठीक है, देखते हैं कैसा होता है. मैं तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ ये कैसा आएगा. So let's do and concentrate on your job, guys. See, बातें बातों में मेरा ये भी हो गया कि मेरा जो लीफ डिज़ाइन है कंप्लीट हो गया. Now I am applying that purple color. ये मुझे दिख नहीं रहा है अच्छी तरह से, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छा है, क्योंकि आफ्टर डेकोरेशन आफ्टर डेकोरेशन ना आपको दिखेगा श्योर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कैमरे के लेंस पे कितना आ रहा है मुझे पता नहीं. मैं तो कोशिश करती हूँ कि हर एक कलर को आपके सामने आने के लिए, क्योंकि जो पेंटर होता है, जो क्राफ्टर होता है, उसके लिए हर एक बिट्स, हर एक डेकोरेशन बहुत कीमती चीज़ होती है गाइस. क्योंकि इस हर एक बिट्स में, हर एक नेकलाइंस में, उसमें ना उसके मेहनत जरूरी होती है ना. एक अगर ख़राब हो जाए तो लगता है यार क्या हो गया, क्योंकि पूरे दिन बर्बाद हो जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्राफ्टर एंड मेरे जैसे बिगिनर्स के लिए. पता नहीं यार, ये तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई. मैं ये फ्लावर बनाने का कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं ये कैसे दिखेगा. आप भी देखिए मेरे साथ कीजिए. मैंने एक ऑरेंज कलर का फ्लावर बनाने का कोशिश किया और ग्रीन से थोड़ा बॉर्डर कर दिया गाइस, और पर्पल कलर लेके उसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग कर रही हूँ. ये सारे बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, ऐसे कुछ मैं खास नहीं की हूँ. लेकिन जब हो जाता है थोड़ा टाइम देने के बाद, जब फाइनल लुक आ जाता है ना, ये बहुत ही आराम का, मतलब देखते ना पूरा सुकून आ जाता है. यार यार क्या हो गया, इतने मैं कर पाऊँगी ऐसे लगता है. ये करते करते मुझे ना बहुत मेरा गलती भी हो रहा है, जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ. देखिए हाँ, मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, इसीलिए मैंने पर्पल कलर यूज़ किया. और बाद में मैंने इसके ऊपर वाइट देके थोड़ा तो हाईलाइट करना पड़ता है, क्योंकि वाइट, ब्लैक, ये सारे, ये जो यूनिक कलर है ना, ये सब चीज़ के ऊपर इतना गॉर्जियस लगता है. तो इसलिए मैंने वाइट और पिंक कलर का बहुत यूज़ किया है. यस, नाउ लेट्स एंजॉय दैट मंडेला पेंटिंग. ये हियर एक्चुअली आई एम डूइंग मंडेला एंड मधुबनी फ्यूशन, बिकॉज दिस फ्यूशन इज रियली वेरी वेरी गुड कम्बिनेशन फॉर मी स्पेशली. ऑलवेज आई अप्लाई बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली वेरी मच एक्सपर्ट ऑन दिस. सो whenever I feel something to do something exciting, so I mixed this paint, both the paintings, that Madhubani and as well as the mandala. Mandala is really very good for mind therapy, and when you are doing that mandala painting, it's only the base on circle. When you are using that mandala painting on your any crafting material or any painting material, so you feel very cool and calm after finishing. See guys, how exciting, wow, it's really amazing. My bottle, that blue color, sadharan si bottle, kaise kitna acha se ye paint hoke, design hoke, kitna gorgeous ho gaya guys. Sachmuch itke mujhe to wahi lagta hai ki chalo yaar kuch to acha kar rahi hu, kuch to mujhe sukoon mil raha hai. Ye jo main mujhe jo painting ke aas paas aap dekh rahe ho na, ek mere last मेरे जो पेज जो लोग फॉलो करते हो तो उसको आ जाएगा. मैंने एक पीकॉक बनाया था ऑरेंज कलर के ऊपर, पास में दिख रहा है वो भी मैंने पूरा जेंटेंगल जो आर्ट होता है वो मैंने यूज़ किया है. और बॉटल के ऊपर भी मैंने ये जेंटेंगल आर्ट अप्लाई कर रही हूँ. तो ये बस ये मेरा रेडी पीस हो गया गाइस. वाओ, इट्स लुक वेरी नाइस. मेरे पास एक पुराना फ्लावर था, वो आर्टिफिशियल फ्लावर था, वो मैंने इसमें डाल दिया. रियली इट्स लुक वेरी नाइस. ये मेरा पुराना पिकॉक के साथ तो बहुत कम्बो हो गया. यस गाइस, इट्स रियली सेटिस्फेक्शन. वाओ, यस.
So hopefully you also enjoyed with my paintings and crafting. And see you guys with next video. Love you guys. Do subscribe, comment, because I love you guys. Honest.